आज से मैं फैमिली व्लॉगिंग का आगाज कर रही हूँ, जिसका आपको बहुत इंतजार था, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे नाच गाना, वही ड्रामे, वही तमाशे और अयाशी आपको मेरे टॉक्सिक फैमिली व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। मामा वो बेटिंग ऐप के प्रमोशन करना भूल गई हैं आप, जिसके आपको लाखों रुपए मिले हैं। मामा तो पैसे लेके भूल ही जाती हैं। ओ हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप हराम का पैसा आसानी कमा सकते हैं। मामा ये बेजमीन लोग हैं, इनको हलाल हराम से क्या लेना देना। छोड़ो, हमारे पास तो माल आ गया ना, भाड़ में जाए फॉलोअर्स, उन्हें यूज करो और फेंको। इशू पर की तरह मामा क्या कर रही है, कैमरा और है। ओहो ये क्लिप काट देना। कौन सा व्लॉग? आप तो मेरे ख्वाब में व्लॉगिंग कर रही थी। फिर शुरू हो गए आप, तो इसमें क्या मसला है? मेरा वीर है फड़ते निकल। मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर किसी के मुंह में हराम का एक लुकमा भी चला जाए तो उसकी नस्ल भी हराम खोर ही निकलती है। मेरे पास सैकड़ों कमेंट्स और मैसेजेस ऐसे हैं जिसमें नौजवानों ने जुए वाली ऐप को इस्तेमाल करके खुदकुशियां की, औरतों के घर बर्बाद हुए, बच्चे यतीम या दरबदर हुए। लेकिन अगर अकल नहीं आ रही तो इन टॉक्सिक फैमिली ब्लॉगर्स को जो इनको प्रमोट कर रहे हैं, मुझे अपना इल्म और डिग्रियां जमीन पर दे मारनी चाहिए कि अगर मैं इस दलदल के खिलाफ आवाज ना उठा सकूं। कहां है वो मौलाना मुफ्ती या दीनी हजरात जो सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव होकर भी आवाज नहीं उठा पा रहे, जिसमें हमारी नस्लों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है और इसे आम करने वाले हमारे चंद टॉक्सिक फैमिली ब्लॉगर्स के। आप पांचों बहनें स्विमिंग पूल में नहाएं, छह छह फुट के मर्द लाइव बैठकर ठुमके लगाएं या कोई हिजड़ा बनकर यस चैलेंज करें, आप मस्करे हैं, एंटरटेन करें। लेकिन जहां आप हमारे बच्चों को इस दलदल में फंसाएंगे, वहां सबसे पहले आप मुझे ही अपने सामने खड़ा पाएंगे। मत भूलें, जो गिरा आप अपने हाथों से लगा रहे हैं, कल को आपको दांतों से खोलनी पड़ेगी। और हाँ, ये खोलनी पड़ेगी।